तीतरों को पानी डाल दें सबसे पहले। हाँ भाई, यार तुम लोगों का पिंजरा नहीं आके दे रहा, मैं क्या करूं, बस मैं अकेला क्या क्या काम करूं, मैं फंसा रहता हूं कामों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इनके पिंजरे की तो फिक्र है ही है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि रात को ऐसी तेज़ बारिश हुई है कि हमारा जो है पूरा सेटअप देखना, इस तरफ से ये ऊपर जालियां लगी हुई हैं, यहाँ से पूरा पानी आ रहा था। ये शुक्र है लाख लाख अल्लाह का कि इनका जो केज था वो बिल्कुल सेट था, बच गया, क्योंकि इनका ज़्यादा मसला नहीं होता, इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनका काफ़ी मसला हो रहा था और मैंने इनको देख भी लिया है कि इनमें से कोई एक भी परेशान वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सेट हैं और ये जो हैं ये तो सेट ही रहते हैं। तो खैर दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश थी और बारिश का प्रेशर अच्छा खासा था और अभी भी हल्की हल्की हो रही है। मैं ऊपर जाऊंगा, पहले ऊपर चलते हैं, लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को नीचे एक चीज़ दिखा दूं जो कि कल की आई हुई है रात को। तो चलें पहले वो दिखाता हूं और फिर हम चलते हैं ऊपर और देखें कि हमारा कहीं वहां पे गीले तो नहीं हुए मुर्गे वगैरह। तो देखते हैं, अभी इनको देखते हैं, आ जाओ। इनका खाना पीना मैंने कर दिया था दोस्तों सारों का, अभी उठते ही सारे का सारा खिलाया यहाँ पे खोल खाल के मैंने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, बारिश का मौसम हो रहा, तो मैंने बोला ऊपर भी देना है, ऊपर जाके अब खिलाने जाऊँगा। तो इनका तो माशाल्लाह कर दिया था। तो वो जो चीज़ है दोस्तों, पहले वो दिखा दूँ, आ जाएँ, आ जाओ भाई, बिस्मिल्लाह। दोस्तों देखें, हमारे पास एक तो ये मुर्गा तो छोड़ दें तो बिकने का है, ये मुर्गा हमारे पास बच्ची मुर्गी निकली हुई थी, और ये जो है ये हम कल लेकर आए, नहीं, आ जाओ भाई, इसको बाहर निकालते हैं। अरे अरे अरे, क्या हो गया दोस्तों, ये मुर्गी है जो लेकर आए हम कल, तो वाइट ही वाइट जमा कर रहे हैं। तो असल में सीजन आएगा, आप लोगों को पता है सितंबर वगैरह में, तो एक मुर्गा लाके हम ये दो तीन मुर्गियां लेकर आ गए हैं बड़ी, तो उसके साथ छोड़ देंगे, फिर इंशाल्लाह इसकी ब्रीडिंग हासिल करेंगे नस्ल। तो चलें इसको पहले छोड़ के, मैं यहाँ छोड़ दूँ, अलग पिंजरे में बंद कर रहा हूँ, वजह क्या है ये भी आपको बताता हूँ दोस्तों। इसको अलग बंद करने की वजह ये है कि ये जब कल भी आई थी तो इसने अंडा दे दिया था फ़ौरन से आते ही मेरा, बल्कि मैंने खुद ने जिसने दिया और मैंने निकाला है फ़ौरन खड़े खड़े मेरे सामने ही, तो क्या पता आज भी अंडा दे दे। तो मैंने बोला थोड़ी देर अलग रखते हैं, अंडा देना होगा तो ये दे देगी। थोड़ी सी दोस्तों कुरीज में आई हुई है, कुरीज में आ जाती हैं अक्सर मुर्गियाँ, उसका कोई मसला नहीं होता, कुरीज पूरी हो जाती है, वापसी उनके पर वगैरह आ जाते हैं। एक ये हो गई वाइट हमारे पास, एक दोस्तों वो रही कहाँ गई, वो रही ऊपर, और तीन, अब ये तीन रखने हैं, ये बच्चे बड़े होंगे इनको तो लाजमी रखना है, और ये अभी सिर्फ हमारे पास बिकने वाली ब्लैक है और ये बच्चा है ऊपर वाला। तो चलो भाई तुम जल्दी से अंडा दो, मैं तुम्हारे अंडे का वेट कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं छत पे और देखते हैं कि हमारा सेटअप कैसा है, क्योंकि मैंने वो सेटअप अभी कंप्लीट नहीं करा, मुझे लग रहा है वो गीले लाजमी हुए होंगे। तो चलें छत पे चलते हैं, पहले सबसे पहले जो है इनको पानी डाल दें, क्योंकि ये बहुत प्यासे हो रहे हैं। इनको मैंने तकरीबन मिट्टी में भी नहीं छोड़ा है तीन चार दिन से, जब से मुर्गियों का हमारे पास लोड ज़्यादा पड़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह से, इस वजह से। आ जाओ पियो, जल्दी जल्दी पी लो, ठीक है, जब तक मैं इनको भी एक चीज़ डाल दूं जो इनके फ़ायदे के लिए होती है। ये तो ऊपर वालों का खाना है और ये पालक, दोस्तों पालक डालनी थी मैंने इन लोगों को, ये जो बजेज वगैरह होता है कॉकटेल, और ये जो छोटे जितनी भी तोतों की किस्म है ये बहुत शौक से खाते हैं पालक, लाजमी डाल दिया करें एक एक, और अच्छी होती है इनके लिए वो। तुम कहाँ से ऊपर आ गई, ये लो खा लो, खा गई है यार, ये सारे के सारे ना हमारे जो पौधे हैं ये तोड़ देती है। अंदर जाओ, चलो पीछे जाओ अंदर, ये सारे के सारे पौधे तोड़ देती है मेरे, ये जो कटे हुए थे ना, मैं समझे कीड़े लग रहे हैं, उनमें तो लग रहे थे कीड़े, पर इनमें मैंने देखा तो जगह जैसे कटे हुए, तो बाद में मैंने नोटिस करा ये, इसको मैंने पकड़ा, ये तोड़ ही थी हमारे पौधे, बहुत चला गई है। तो दोस्तों ऊपर चलते हैं, उनको दाना डालते हैं, और एक और चीज़ देखनी हमने कि उनका सेटअप कैसा है, क्योंकि कल थोड़ी बहुत गीली हो गई थी, मुझे डर है कि बीमार ना पड़ जाए। फिलहाल मैंने इनका ये ढक दिया था रात के वक्त, देखें प्लास्टिक वगैरह लगा दी थी पूरी की पूरी, क्योंकि बारिश का शाम में जो हुई थी काफ़ी तेज़ हुई थी, जिसमें गीले हो गए थे। मैं बाहर गया हुआ था, जैसे ही आया तो इनको देखा गीले हुए, मैं इन पे चादर ही डली हुई थी, ऊपर से चादर डाली, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों के काफ़ी सेटिंग में ही है, और ये तो अंडे पर है, इसका पूरा पिंजरा गीला हो गया था। चलें इसको हटाएँ पहले दोस्तों, इनका पूरे का पूरा पिंजरा गीला अंदर से हो रहा था, देख रहे हैं पूरे का पूरा अंदर से गीला हो रहा था, ये भी पूरे गीले हो गए थे,
और ये तो बिल्कुल ही गीली हुई हुई थी, पता नहीं कैसे। चलें इनको खाना दाना पानी करें पहले। देखें इसकी हरकत है, मंजे के अंदर पूरे का पूरी टांग फंसाई हुई है। दोस्तों इनको खाना पानी कर दिया है और बाकी आप देख रहे हैं, ये जो है ना हमारा मुर्गा, ये इनको बहुत ज़्यादा मार रहा है। कर दो सारा काम, ख़राब कर दो। इसकी वजह से जो हमारी मिस्रियाँ हैं ये काफ़ी खौफ में आई हुई हैं, डर रही हैं सिर्फ इसकी वजह से। देखें दोनों जगहों पे इसने कब्ज़ा करा हुआ है, उनको खाने ही नहीं देता। अब मुझे इनको बंद करना पड़ेगा इसको और उन्हें अकेले खिलाना पड़ेगा, और सारा ख़राब कर दिया इसने खाना पीना भी उनका। खैर इनको खिला पिला के हम चलते हैं नीचे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत हो रही है, छत पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। और फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं कि वाइट वाली मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं, चेक करेंगे फिर। चलें दोस्तों पहले इनको खिला के फारिग कर दूं, फिर चलते हैं नीचे। वे क्या कर रही है ये? देखें दोस्तों मैं ज़रा सा आगे पीछे हूँ, इनको खाद नहीं मिल रही तो इन्होंने गमले में ही नहाना शुरू कर दिया है। क्या कर रही हो, पूरा गमला ख़राब कर दिया। चलो इधर से बाहर निकलो, चलो चलो आ जाओ, चलो अंदर जाओ तुम, चलो बंद होने का टाइम है। इसे बंद करूँ, पूरा गमला उजाड़ दिया इसने, ये देखें। उस तो थोड़ी धूप निकल आई है, मैंने बोला काले खान को खोलने का सही वक्त है। क्रिश की तरह आ रहे हो हैं, तो घुदाते हुए बचते हुए आ रहे हो। तो भाई पहले काले खान को खोल देते हैं, थोड़ा सा आज उन्हें टहल करा देते हैं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, मुर्गी को निकालना ही पड़ेगा हमें। काले खान को बाहर छोड़े पहले, काटता है यार ये, निकाल देते हैं। अरे 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 काले खान, चलो जाओ आगे जाओ थोड़ा। आप कांचे आ गए हैं? नहीं बाद में, नाश्ता कर कर आओ, जाओ जाओ। बाय बाय। हाँ बाय बाय। सबको बाय बाय कर दिया आप लोगों, बाय बाय टाटा। भाई मुर्गी देखी तुमने, नई वाली? नहीं। आओ ये लो, ये आई है हमारी नई मुर्गी, ने कल एक आधा अंडा भी दिया इतना बड़ा। आते ही दे दिया। भाई इतना आते अंडा दिया, माशाल्लाह से बड़ी घरेलू मुर्गी है, हमें बहुत अच्छी लगी है दोस्तों। इतना आते अंडा दिया, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अंडा दे दे एक और। चलो यार दे दो, दिया है क्या? नहीं दिया, कब दोगी? इसी पिंजरे में अंडा दिया था इसने और मैंने फ्रिज में रखा हुआ, इंशाल्लाह जल्द खाऊंगा मैं उसको, हाफ फ्राई आमलेट वगैरह बना के। क्या वो एक मेरे घर पे बता दूंगा, ये दे तो दूसरा, जब दूसरा देगी तो तुम्हारे घर पे भी आ जाएगा। ये जल्दी से बड़े हुए यार, ये मेरे को ऐसा लगता है जैसे उतने के उतने टिके हुए हैं जितने थे। नहीं बड़े तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं, आप लोग देख के बताओ लग रहा है आप लोगों को या नहीं। हमारे जो ये असील है, कचरा वगैरह साफ हो रहा है सारे का सारा, ये ले जाते हैं वक्त टाइम के ऊपर। और ये जो है प्लाट खाली है, ये आप दुआ करें कि आपका भाई ले लेगा बहुत जल्द, इंशाल्लाह बोल दिया करना चाहिए, बोलते हैं आप जल्दी ले लेते हैं। ये प्लाट हमारे पास आ जाए तो अच्छा है, हम यहाँ पर जू बना डालेंगे। तो आज मैं इधर ही इख्तिताम करता हूँ ब्लॉग का। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, नए ब्लॉग, नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। क्या सोच रहा है भाई बैठे हुए? चलो इनको बंद कराओ, आ जाओ, हो गया काम, चलो आ जाओ।